अभी भले ही बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल न बजा हो, लेकिन पोस्टर जारी कर एक दूसरे पर तंज कसने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिसकी शुरुआत जेडीयू ने की और लालू के कार्यकाल को लेकर आरजेडी को जमकर घेरा। लेकिन अब जेडीयू की पोस्टर पॉलिटिक्स उस पर ही भारी पड़ रही है, क्योंकि आरजेडी रोज एक पोस्टर जारी कर नीतीश कुमार को घेर रही है और अब एक नए पोस्टर में नीतीश के साथ बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया गया है। क्यों करें विचार, ठीक ही तो है नीतीश कुमार, ये वो नारा है जो जेडीयू ने आगामी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए दिया है। मगर जेडीयू के इस नारे को झूठा साबित करने में आरजेडी पूरी तरह से जुट गई है। वो एक के बाद एक पोस्टर जारी कर सत्ताधारी पार्टी की पोल खोल रही है। आज एक और पोस्टर जारी करते हुए आरजेडी ने नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को भी आड़े हाथों लिया है। पोस्टर में सरकार को घेरने के साथ ये संदेश दिया गया है कि कुर्सी के प्यारों ने बिहार को बर्बाद कर दिया है, बिहार लूट रहा है। और इसके साथ ही आरजेडी का कहना है कि खिलाड़ी सरकार कुर्सी कुर्सी का खेल खेल रही है और जनता को लाचार कर रही है, रोजगार नहीं दे रही है और चोरी से आई सरकार बिहार को बर्बाद कर रही है। आरजेडी ने इस पोस्टर के जरिए जनता को नीतीश कुमार की खामियां दिखाने की कोशिश की है। इस पोस्टर में दिखाया गया है कि एक तरफ कुर्सी पर नीतीश बंधे हुए हैं और उनके पीछे डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी हाथ में कमल थामे खड़े हैं और बिहार बर्बाद हो रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले आरजेडी की तरफ से एक और पोस्टर जारी किया गया था। उस पोस्टर के द्वारा बिहार सरकार को घेरने की कोशिश की गई। गठबंधन सरकार के सामने रोटी कहाँ है, न्याय कहाँ है, विकास कहाँ है, रोजगार कहाँ है, जैसे कई सवाल उठाए गए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले 2019 के आखिरी महीने में जेडीयू की तरफ से पोस्टर बाजी का सिलसिला शुरू किया गया था। जेडीयू ने एक पोस्टर जारी किया था जिसमें 15 साल बनाम 15 साल लिखा गया था। पोस्टर में आरजेडी के 15 साल की तुलना नीतीश कुमार के 15 साल के काम से की गई थी और जेडीयू की तरफ से राष्ट्रीय जनता दल के कामों पर सवाल उठाया गया था, जिसके बाद से आरजेडी लगातार पोस्टर के जरिए नीतीश सरकार को घेर रही है। ऐसे में अब नए पोस्टर पर जेडीयू की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।